उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भारत के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने काम से और अपने अंदाज से सबसे नंबर वन मुख्यमंत्री कहलाते हैं। लेकिन आए दिन योगी आदित्यनाथ को धमकियां मिलती रहती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी कानून से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन सीएम होने के बावजूद भी अभिव्यक्ति की आज़ादी में लोग अपने लोगों से दुश्मनी तो दूर की बात, अब तो लोग मुख्यमंत्री को भी गाली और ना जाने क्या क्या बोलने लगे हैं। लेकिन ऐसे कारनामों को अंजाम देने वाले कोई और नहीं होता है, बल्कि वही टोपी छाप होते हैं जो भारत में टुकड़े टुकड़े करने की सपने देखते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन में नमाज के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, तब से सीएम योगी को कुछ लोग बम से उड़ाने में लगे हैं, तो कोई ये कहता है कि गोली मार दो। लेकिन योगी के राज में कानून से खिलवाड़ करने वालों को घर में नहीं बल्कि जेल में रखा जाता है। ठीक वही हाल हुआ पिछले कुछ ही दिन पहले मुंबई के कमरान अमीन खान के साथ, जिसमें पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया व्हाट्सएप नंबर पर मध्य रात्रि के बाद 12:30 बजे धमकी का मैसेज देता है, जिसमें ये टोपी छाप कहता है कि योगी को मैं बम से उड़ा दूंगा। जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई और इस अमीन खान को पड़ताल करने में जुट गई। लेकिन काफी पड़ताल के बाद पता चला कि ये टोपी छाप अमीन खान मुंबई का रहने वाला है, जिसके बाद युवक को महाराष्ट्र के एटीएस ने मुंबई के चुनाभट्टी इलाके में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि शख्स मुंबई का रहने वाला है जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब एटीएस ने पूछताछ की तो शख्स ने यह बताया कि उसने सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के बारे में भड़काऊ वीडियो को देखकर उसके मन में योगी आदित्यनाथ के लिए गुस्सा आया था और उसने गुस्से के चलते योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। लेकिन मजे की बात यह है कि धमकी देने वाला अब जेल की हवा ले रहा है, यानी कि इससे ये साफ साबित हो गया है कि यूपी में कानून से खिलवाड़ करने वालों को जेल में ही रखा जाता है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है, इसके पहले भी बिहार के तानवीर खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को नमाज के लिए खुली चुनौती दी थी। कहा था कि लॉकडाउन में नमाज के लिए दिक्कत आ रही है, योगी को गोली मार दो। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि भारत में ऐसे ऐसे लिबरांडू पल रहे हैं जिन्हें ना कानून की परवाह रहती है और ना ही देश की। तभी तो तानवीर खान और अमीन खान जैसे लोग कम्युनिस्ट नेताओं को टारगेट करते हैं। इन जैसे लोगों से कभी आपने ये सुना है प्रियंका गांधी वाड्रा को गोली मार दो? क्योंकि ये बातें इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि योगी को धमकी देने वाले के पीछे इन कांग्रेसियों का ही सबसे बड़ा हाथ होता है।